जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करो रद्द करो। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन जारी है। हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं। इस बीच संसद के बाहर ऐसा ड्रामा देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। दरअसल बुधवार को कृषि कानूनों को लेकर संसद परिसर में अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू आपस में भिड़ गए। कृषि कानूनों को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक बहसबाजी होती रही। इस पूरे ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट से आप बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल नहीं थी। आप भागे कि नहीं भागे, बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी, बिल्कुल नहीं थे। जदों बिल पास होया कैबिनेट दे बिच बैठे सी, ते एक बार भी इन्होंने उल्ट नहीं बोलिया कैबिनेट मंत्री होके। इस्तीफा बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। ये रोज ड्रामा करते हैं, कैबिनेट के मंत्री थे जिस दिन ये बिल पास हुआ। इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने हरसिमरत कौर से कहा कि वो बिल्कुल झूठा प्रदर्शन कर रही हैं। जब बिल पास हुआ तो वो वहीं पर बैठी हुई थी और उसके बाद उन्होंने इस बिल को होल्ड भी नहीं कराया और घर जाकर इस्तीफा दिया। इनसे पूछिए राहुल गांधी कहाँ थे जब किसान के बिल आए थे, राहुल गांधी सोनिया गांधी कहाँ थे। और फिर ये पार्टी बाहर वॉकआउट करके, ये पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल पास करने में मदद करी।